हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शकील जय खान फ्रॉम मास्टर कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन का 24th प्रॉब्लम देखेंगे, जो इस तरीके से e रेज़ टू x cos ऑफ 3x माइनस 4x टू x tan 3x अपॉन 4x टू x cos ऑफ 3x। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। स्टार्ट, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x cos ऑफ 3x माइनस 4x टू x tan ऑफ 3x अपॉन 4x to x into cos of 3x dx। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप इसका ये आएगा कि मैं इसे सेपरेट करूंगा। सी हियर, इंटीग्रेशन ऑफ e raise to cos of 3x अपॉन 4x to x into cos of 3x माइनस 4x to x tan of 3x अपॉन 4x to x, यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 4x to x cos of 3x dx dx। मैंने इसे सेपरेट किया, cos 3x cos 3x गेट कैंसल, व्हाट आई गेट, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x अपॉन 4x टू x dx। हमें पता है यहाँ पे 4x टू x 4x टू गेट कैंसल, हमें पता है 1 बाय cos sec होता है, सो आई कैन राइट sec 3x इंटू tan ऑफ 3x dx। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसा लिखूंगा फ्रेंड, e रेज टू x e बाय 4 रेज टू x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 3x dx। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आएंगे इंटीग्रेशन e बाय 4 रेज टू x एज इट इज। फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन होगा e बाय 4 रेज टू x एज इट इज अपॉन में log ऑफ आएगा, log ऑफ e बाय 4। नोट कीजिए, e बाय 4 रेज टू x का इंटीग्रेशन इस टाइप में होगा, e बाय 4 रेज टू x एज इट इज, और इसको हम लोग लिखेंगे अपॉन में log ऑफ e बाय 4। ओके, और इसका रहेंगे इंटीग्रेशन माइनस sec of 3x upon 3 plus c। इसका फॉर्मूला होता है log a by b को मैं ले सकता हूं log of a minus b, so I can write e by 4 raise to x फ्रेंड में log of e minus log of 4 minus 1 by 3 sec of 3x plus c। फ्रेंड, log e की वैल्यू 1 होती है, सो आई कैन राइट e बाय 4 रेज टू x 1 माइनस log ऑफ 4 माइनस 1 बाय 3 sec 3x प्लस c। ये मेरा आंसर है फ्रेंड। सिंपल प्रॉब्लम है, हमें बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है इसे। इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको और इजी समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने हमारा चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।